नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 0534 NPK खाद के बारे में। किसान साथियों, इसको हम कौन कौन सी फसलों में दे सकते हैं, इसमें कौन कौन से खादों का कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम फसल की कौन सी स्टेज में दे सकते हैं, कितनी मात्रा हमको प्रति एकड़ देना चाहिए, कितनी कीमत होती है, सब कुछ डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यह NPK 0534 खाद 100% पानी में घुलनशील होता है, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर होता है, जिसमें NPK में नाइट्रोजन की मात्रा 0% होती है या बिल्कुल भी नहीं होती है। इसमें फास्फोरस की मात्रा 52% होती है और पोटास की मात्रा 34% देखने को मिलती है। किसान भाइयों, फास्फोरस का काम हमारी फसलों में रूट या जड़ को डेवलप करने में और तना मजबूत करने में मदद करता है, पौधे को मजबूत बनाता है, हेल्दी बनाता है, फास्फोरस उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाता है। पौधों में सबसे जरूरी पोषक तत्व होता है तो वह फास्फोरस है। NPK 0534 में 34% मात्रा पोटास की होती है। पौधे में पोटास का बहुत महत्व होता है। पोटास दानों को भरने का काम करता है, बालियों को भरने का काम करता है और दानों पर चमक लाता है, दाने को वजनदार बनाता है। कह सकते हैं कि पोटास एक बहुत जरूरी पौधे के लिए पोषक तत्व है। इसका उपयोग सभी किसान भाइयों को करना चाहिए। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं NPK 0534 को फसल की कौन सी स्टेज या कौन सी अवस्था में इसका उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, फसल की जो पुष्पन अवस्था होती है या फिर फ्लावरिंग जो स्टेज होती है, उस स्टेज में 0534 का उपयोग करने से ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। जब आपकी फसल में फूल लगना आरंभ हो रहे हो, आपकी फसल 60 से 65 दिन की हो, उस समय में 0534 का आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो पुष्पन स्टेज होती है उसमें सबसे ज़्यादा फास्फोरस और पोटास की ज़रूरत होती है। उस समय में आप 0534 का स्प्रे जरूर करें, आपको उत्पादन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसको NPK 0534 को कौन सी फसल में उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग हम लगभग सभी क्रॉप्स में इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे धान, गेहूं, चना, सोयाबीन, मक्का, कपास। इसके अलावा सभी सब्जी वर्गीय, फल वर्गीय, बागवानी फसल में, रबी खरीफ की फसल में इसका उपयोग कर सकते हैं। NPK 0534 के डोज के बारे में बात कर लेते हैं। सभी सब्जी वर्गीय फसलों में 0534 को 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से दे सकते हैं। आपको 150 लीटर पानी में 500 ग्राम NPK 0534 का उपयोग करना है। और सभी रबी व खरीफ की फसल, जो मोटी फसल होती है, उसमें जैसे धान, गेहूं, चना इत्यादि फसलों में 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। आपको 150 से 160 लीटर पानी में 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 0534 को छिड़काव कर देना है, या फिर आप ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से भी इसको दे सकते हैं। बात कर लेते हैं NPK 0534 को कौन कौन से खाद व इंसेक्टिसाइड के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। इसको हम सभी खाद जैसे यूरिया, DAP, पोटास, सभी खाद में मिलाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं, मिक्स करके छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन किसान भाई, ध्यान दें कि आपको किसी भी खरपतवार नाशक के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है, उसके साथ मिलाकर स्प्रे नहीं करना है। छिड़काव हमेशा आपको खुले मौसम में शाम या सुबह के समय में ही करें। लेकिन किसान भाई, ध्यान दें कि आपके खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए। कीमत के बारे में बात करते हैं। NPK 0534 की कीमत 200 रुपए किलो के आसपास देखने को मिलती है। यह बहुत सी कंपनियों के आते हैं, जैसे इफको, महाधन, यारामिल, ग्रोमोर इत्यादि कंपनियों का आता है। आप किसी भी ब्रांडेड कंपनी का ले सकते हैं और आपकी क्रॉप्स में दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, यह जानकारी NPK 0534 के बारे में दी है।
यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।